हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीत देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, मैं पिछले साल आप लोग को बतलाया था कि मैं इस घर को बनवाने वाला हूं, तो फाइनली अभी समय आ चुका है, वो भी एक साल बाद। तो देखते हैं, और अभी हम लोग ये जितने भी सामान रखे हुए हैं तो इसको हम खाली कर रहे हैं, क्योंकि उस घर में लेके जाना है। तो देखते हैं, बहुत सारा सामान है, वैसे क्या क्या सामान लेके जाना है। गाइस, तो यहाँ पर लगा रहता है नट बोल्ट, तो उसको मैंने निकाल दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे कितने, मतलब यहाँ पे जाली वगैरह लगे हुए हैं, तो इसको सब हटाना है। और इधर भी है, ये 6x6 का ये बेड है, थोड़ा देर में लेके जाने वाला है। करते करते आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया। ये देखो, ये अपना सामान बोरी में भर के ले जा रही है। इतना सारा सामान है, जैसे चावल जितना बोरी में नहीं रहता, उससे ज़्यादा इनका कपड़ा है भाई। गाइस देख सकते हैं, दीवान के अंदर में बहुत सारे रखे हुए सामान। और ये है गद्दा, और ये है टीवी, और ये अलमारी देखो अभी खोल कर रखी हुई है। तो इसमें जितने भी कपड़े रखे हुए हैं सबको हटाना है, क्योंकि अलमारी खाली करेंगे तभी हल्का होगा, और इसको लेके उस घर में जाना है। यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं, और इस साइड में मतलब बाहर में भी बहुत सारे सामान हैं। पहले तो ये अपना बेड और ये अलमारी सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों जो आइटम है ना, सबसे बड़ा आइटम है, मतलब वजन वाला आइटम है, तो इसको सबसे पहले लेके जाएंगे। फिर जो छोटा छोटा आइटम है उसको लेकर जाएंगे। टीवी भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। अभी ये मकान टूटने वाले हैं, देखते हैं कब तक टूटने वाला है। वैसे तो प्लानिंग हो चुका है, 2-4 दिन में टूटने वाला है, वो भी मैं आप लोग को देख लाऊंगा। तो चलिए ये सब खाली करते हैं फटाफट। गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं जितने भी बोरी दिखाई दे रहे ना, इसमें सब में साड़ी रखे हुए हैं, मतलब कपड़े वपड़े कुछ और है, इनकी साड़ी बहुत ज्यादा ही है। अरे देखो, ये सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा सेट करना है। अभी तो निकालने में टाइम लग रहा है, इसको जमाने में भी टाइम लगने वाला है। अभी तो आधा ही सामान निकला हुआ है। ये देखो, ये साइड पूरे काम बचे हुए हैं, अभी मैं और भाई दोनों लेके जाने वाला है, उसका वेट करूँ, अभी तक आया नहीं है। फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं इस वाले घर में। ये भी हमारा घर है, और यहां पे रहना नहीं होता है, मैं कच्चा मकान में ही रहता था बहुत दिनों से, क्योंकि मेरा मन था रहने का, इसलिए वहां पे मैं रहता था। तो देखो सामान किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, चले मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखलाता हूँ। अभी लगभग सामान आ चुके, कुछ कुछ सामान बचे ही होंगे, उसको मैं कर लाऊंगा, क्योंकि लेट हो चुका है। अभी मैं टाइम की मैं बात करूँ तो 3:15 बज चुके हैं, और अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ है। जस्ट अभी मैं 5-10 मिनट पहले नहाया हूँ, और उसके बाद ये देखो कपड़ा वगैरह पहना हूँ। गाइस, तो ये देख सकते हैं अलमीरा है, और ये फ्रिज अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखो पूरे सामान आ चुके हैं, क्योंकि इसमें मतलब अभी बोरी में रखा हुआ है, इसको अभी धीरे धीरे करके जमाएंगे। अभी तो कम से कम जमाने में 2 से 3 दिन लग ही जाएगा। फिर देखो ये वॉशरूम है हम लोग का, ये देख सकते हैं, ये फैन है, यहाँ पे फॉल सीलिंग वगैरह कराए हुए थे, तो उस टाइम में अभी कलर वगैरह नहीं हो पाया। देखते हैं कलर भी कराएंगे, ये वाला घर में भी काम कराना है, और अभी नेक्स्ट बनने वाला है उसमें भी अपन कुछ दिन बाद काम कराएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, देखते हैं कब से स्टार्ट होगा, अभी तो तोड़ना बचा हुआ है। मैंने तो काम तोड़ने का ही है, उसके बाद स्टार्ट कब से होगा वो देखते हैं। गाइस, तो ये देखिए सामने में ये हम लोग का है बेल पेड़, यहाँ पे बेल बहुत सारा लगे हुए हैं, अभी तो यहाँ पे रखे हुए थे, मतलब एक गिरा हुआ है देख सकते हैं आप सामने में, और ऐसे ही मतलब डेली 4-5 गिर जाते हैं। अभी हम लोग एक भी खाए नहीं हुए हैं, और आसपास के लोग मांगते हैं ना तो उसको दे देते हैं, तो कल ही मैं देकर आया हूँ। ये साइड अपन चलते हैं, ये वाशरूम हम लोग का, और अभी तो बाड़ी में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ एक है, और ये साइड में है ये कांदा भाजी, हम लोग कांदा भाजी वगैरह खाते हैं। देखो अभी साफ सफाई में भिड़ी हुई है, अभी नहाई नहीं हुई है। चलिए यहाँ पे दिखलाता हूँ मैं, ये देखो पता तो अभी नहीं चल पा रहा होगा, अभी अंदर आप लोग को लेकर चलता हूँ। ये दोनों गाड़ी रखा हुआ है यहाँ पर, ये श्री लक्ष है, और ये पल्सर रखा हुआ है, और इस साइड आप देख सकते हैं चाचा लोग का मकान है। और ये देखो सामने में मेरा 2 हेलमेट रखा हुआ है, एक दोस्त का और एक मेरा है। चलिए यहाँ पे अंदर चलते हैं रूम में, अभी अंधेरा है, लाइट बंद है, लाइट ऑन करते हैं। ये देखो लाइट ऑन हो गया, कुछ कुछ सामान बचे हुए, जैसे कि पंखा निकालना है, लाइट निकालना है, टीवी निकालना है, ये बचा हुआ है। ये देखो टाइम अभी 4 बजने ही वाले, 3:40 हो चुका है, अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में खाने वाले हैं। वाइफ अभी साफ सफाई कर रही है, उसके बाद दोनों साथ में खाने वाले हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हैं पूरा खाली खाली लग रहा है। घर का काम कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं बातचीत वगैरह हुआ है उस हिसाब से, तो कल या परसों तोड़ने का स्टार्ट करेंगे। तो तोड़ने का स्टार्ट तो करेंगे साथ साथ में, पहले ये वाला जो ऊपर का है ना खपरेल बोलते हैं, इसको सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो लकड़ी वगैरह है वो सब चीज़ निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग जेसीबी बुलाएंगे तोड़ेंगे। आप लोग को दिखला देता हूँ बाहर का नज़ारा कैसा दिखाई दे रहा है।
तो गाइस आप देख सकते हैं सामने वाला ये मकान चालू होगा कुछ दिन में। ये देखो मंगा के रखे हुए हैं, ईंट है, ये गिट्टी है, इधर रेत है और ये हम लोग का मोहल्ला सामने चौक है। तो गाइस यही घर है हम लोग का, इसी को तोड़वाना है अभी, देखते हैं कल परसों में टूट जाएगा। पिछले वाला ब्लॉग मतलब पिछले साल आप लोग को दिखलाया हुआ था इसी मकान को। चलिए अंदर चलते हैं। बस ये छोटा सा ये आप लोग को दिखलाना था कि घर का काम कब से स्टार्ट हो रहा है, इसी को दिखलाना था। और थोड़ी देर में अपन खाना खाने वाले हैं गाइस। तो इस साइड का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया अपन तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेंगे, लेकिन इस साइड के एरिया में अपन बनाने वाले हैं। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, बोर वाला एरिया, इस साइड का एरिया ओपन रहेगा, मतलब आने जाने के लिए उस घर में भी अपन जा सकते हैं। और इस साइड के एरिया में मतलब इस साइड देख रहे हो आप लोग जो वीडियो में, इस साइड अपन लगाएंगे गेट सामने में। तो ये पूरा मकान टूटने वाला है, इसी में ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, देखते हैं कितना दिन में कम्प्लीट होगा। मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन इसमें लग जाएगा पूरा, उसके बाद ही जैसे भी बुलाएंगे अपन लोग। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं, ये देखिए ये बाथरूम है और यहाँ पे 2 थाली रखा हुआ है, इसमें मैंने पानी डाल दिया हुआ है और डाल देता हूँ, इसको सफाई करूँगा मैं, क्योंकि अभी काम कर रहे थे इसलिए पूरा इसमें धूल अट चुका है, इसलिए इसको सफाई कर रहे हैं। और 1 थाली मेरे लिए, 1 थाली मिसेस के लिए, वो तो अभी नहीं खाऊंगी बोल रही है, क्योंकि उसको नहाने में भी कम से कम आधे घंटे और टाइम लगेगा, तो इसलिए वो मना कर रही है। और मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अभी जल्दी खा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये देखते हैं, ये खाना खाने के बाद अपन कुछ काम करेंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं किचन में, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है प्याज, यहाँ पे देखते हैं, और ये है सब्जी, और यहाँ पे पानी रखा हुआ है। फ्रिज तो सब उस घर में चले गए हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रिज वगैरह नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फ्रिज का भी पानी मतलब पी रहा हूँ ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी बढ़ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पानी के बोतल रखे हुए हैं, तो इसका भी यूज होने वाला है कुछ दिन में। और 2-4 जो हमारे पास बोतल रखे हुए हैं वो तो यूज हो ही रहा है, इसको भी देखते हैं अपन। अभी देखते हैं खाना निकालते हैं, क्या सब्जी है, पहले सब्जी देख लेते हैं। अच्छा ये जो सब्जी बना हुआ है आलू और भाटे की सब्जी बना हुआ है। चलिए अपन निकालते हैं और इस थाली में लगाते हैं। गाइस देखते हैं इसमें क्या है, अरे वाह क्या बात है, सुबह का ये फरा है। सुबह के टाइमिंग में नाश्ते के लिए ये बना हुआ था, टमाटर की चटनी रखा हुआ है और इसके नीचे ये है चावल। निकालते हैं चावल, ये चावल है गाइस। तो अभी 4 बज चुके हैं और भूख भी लगी हुई है बहुत, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग नाश्ता किए हुए थे। मैं ड्यूटी से आया है, ड्यूटी से आने के बाद सुबह 7:30 बजे के आसपास मैं नाश्ता किया हूँ। नाश्ता करने के बाद जो भीड़ है हूँ काम के लिए, देखो अभी मैं फ्री हुआ हूँ, वैसे तो पूर्ण रूप से फ्री भी नहीं हुआ हूँ, कुछ कुछ काम भी बचे हुए, इसको कम्प्लीट भी करना है, लेकिन अपन खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद ही अपन कुछ काम करेंगे। गाइस तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि कैसे घर बनाने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको दे दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।